हेलो दोस्तों, आज मैं मिला दुनिया के सबसे अमीर मजदूर से। मैं कमलेश हूँ। आप मानोगे नहीं, पर इससे मिलने के बाद मेरी फटी की फटी रह गई आंखें। आज इसके पैरों में जूते, हाथ में घड़ी और औकात से बाहर स्पोर्ट्स बाइक है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शक्ल पे मत जाइए, ये भोला नहीं गजब का गोला है। जानते क्या है इसकी दुख भरी अजीब दास्तां और किस तरह इसने अमीर लोगों का कटाकट काट के फटाफट पैसा छापा। आइए मिलते हैं कमलेश से। एक वक्त था जब इसे दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। गरीब होने के साथ साथ कमलेश आलसी और बेरोजगार भी था। अपने हरी और मंजू का पेट भरने के लिए इसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। जैसे तैसे करके इसने खदान में मजदूरी चालू की, लेकिन वहां भी इस कुपोषण के शिकार व्यक्ति ने हक दिया। फिर भी दूसरे बड़े दिल के मजदूर इसका दिल बहलाने का प्रयास करते। ए अंजलि, मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अपना पैसा बचाने के लिए आज भी कमलेश खेतों से चुराए हुए फल बड़े ही चाव से खाता था। मजदूरी से जो पैसा मिलता वो हरी और मंजू के बाल विवाह के लिए काफी नहीं था, और ये चिंता कमलेश को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिरकार तंग आकर कमलेश ने चुल्लू भर पानी में डूबने का निश्चय किया। लेकिन क्योंकि कमलेश पक्का मारवाड़ी था तो वो सोच समझ कर डूबना चाहता था। उसने अपने एंड्रॉयड फोन से तैरना सीखा, क्योंकि खुदा ना करे पर डूबते वक्त उसका मूड बदल गया तो। फाइनली वो दिन आ ही गया और 1 2 3 ये कमलेश ने लगाई छलांग और गुड बाय, मिलेंगे अगले एपिसोड में। पर रुको, ये क्या, ये तो बाहर आ रहा है, धोखा हुआ है हमारे साथ। लेकिन रुको, ये पत्थर जैसा क्या है इसके हाथ में? तो मेरे नीचे कुछ टकराया, मैंने सोचा पत्थर है, मैंने उठा के देखा तो ओहो, तो मैं मतलब बहुत चौंक गया। जी हाँ, ये पत्थर कमलेश की खोपड़ी से टकराया और उसे आया एक ऐसा आइडिया जिसने बदल दी उसकी दुनिया। फिर मैं अमीर बन गया, आज मैं अरबपति हूँ। इस साधारण से दिखने वाले पत्थर ने कमलेश को माला माल बना दिया। या तो ये पत्थर चमत्कारी है या लोगों का दिमाग खराब है। लेकिन जो भी हो, कमलेश ने पानी से निकलते ही कहा, ये पत्थर खरीदो और कृपा बरसेगी। आप मानेंगे नहीं, लोगों ने अंधाधुंध इस पत्थर को खरीदा। इतनी एडवांस बुकिंग तो रेडमी के फोन और मार्वल की फिल्मों की भी नहीं होती। अब कृपा बरसी या लोगों ने इस पत्थर से अपना सिर फोड़ लिया, यह तो अल्लाह ही जाने। पर इस प्रोडक्ट की सफलता देखकर कमलेश की भी फट गई और इसने अमीरों की इस खर्चीली मानसिकता का खूब फायदा उठाया। फिर कमलेश ने अपने चेलों को भी तैरने की ट्रेनिंग दी, ताकि वो भी ऐसे चमत्कारी पत्थर खोज निकालें। कमलेश ने अपने और भी मजदूर मित्रों को अपना चेला और बॉडीगार्ड बनाया और दुनिया का कल्याण करता रहा। कमलेश कब गुरु से गुरु घंटाल बना पता ही नहीं चला, लेकिन आज भी वो खुद को एक साधारण मजदूर ही बोलता है, कम से कम टीवी पर तो।